ऋषभ पंत की वापसी हो रही है बड़े हादसे के बाद, 2022 के बाद अब ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। उनकी फिटनेस को लेकर अब कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अब उन बेहतर कर लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऋषभ पंत आ रहे हैं, ये कितना फायदेमंद होगा टीम के लिए? यह टीम के लिए तो फायदेमंद होगा ही, और सबसे पहले तो ऋषभ पंत के जज्बे को सलाम करना चाहिए। जिस तरह का उनका एक्सीडेंट हुआ था वो देखने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा फील्ड पर आएंगे, लेकिन उनका जिल जो था और जो उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उन्हें फील्ड पर वापसी करनी है, ये समय जो पिछला गुजरा है उनके लिए 14-15 महीनों का, वो बहुत ही कठिन समय था। लेकिन इस कठिन समय में उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, बीसीसीआई ने भी उनका पूरा साथ दिया, चाहे उनके ट्रीटमेंट की बात हो, उनके रिहाब की बात हो, बीसीसीआई उनके कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। और जो हौसला दिखाई आपको ऋषभ पंत ने, उसकी तो आप जितनी तारीफ करें वो कम है। कितना दर्द उन्होंने झेला है, अगर आप कुछ उस वक्त जो उनके वीडियोस आ रहे थे वो आप देखें तो पता चलता है कि रिहाब के दौरान उन्होंने कितना दर्द सहा। एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने फिटनेस से जुड़ी तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक जो है वो पहुंचाने का काम किया था। तो ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, और जब आईपीएल शुरू होने वाला था उसके पहले जब जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने एक इशारा कर दिया था कि अब ऋषभ पंत जो है वो ठीक हो रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि वो भारतीय टीम में आ जाए, ये देखना होगा कि वो विकेट कीपिंग कैसे करते हैं। लेकिन जब आईपीएल में ऋषभ पंत खेले तो न सिर्फ उनकी विकेट कीपिंग बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी जो है उसी अंदाज में देखने को मिली, और इन सब के बाद जो है ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया। देखिए ऋषभ पंत एक बड़ा नाम है और सामने वाली टीम के लिए जो है उनका एक खौफ जो है वो काम करता है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मौके पर किसी भी परिस्थिति से मैच का जो रुख है उसे मोड़ सकने की उनके अंदर एबिलिटी है, और इसलिए ऋषभ पंत का इस टीम में होना जो है वो बहुत जरूरी था, और एक फिट ऋषभ पंत का होना जरूरी था, और इस बात को उन्होंने साबित किया इस आईपीएल के दौरान कि वो पूरी तरह फिट हैं। और फिर सिलेक्टर्स ने उन पर विश्वास जताया, जो कप्तान रोहित शर्मा हैं उन्होंने उन पर विश्वास जताया, और ऋषभ पंत जो है T20 विश्व कप जो कि अमेरिका में और वेस्टइंडीज में जो संयुक्त मेजबानी में होने जा रही है 1 जून से, उसके लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत अपनी लय में खेले तो वो भारतीय टीम के लिए इस विश्व कप में जो है वो ट्रंप कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भूमिका होगी मुझे देखकर लगती है कि उन्हें जो है एज ए फिनिशर जो है इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि वो नंबर 5-6 पर जो है आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। वो एक लेफ्ट हैंडर बैटर है तो वो एक अलग आयाम इस टीम को देगा, और अगर ऋषभ पंत अपनी लय में खेल गए और जिस दिन भी खेल गए तो मैच जो है वो अकेले दम पर भारतीय टीम के लिए जीत सकते हैं। तो ऋषभ पंत की वापसी हुई है तो इसके लिए ऋषभ पंत को शुभकामनाएं, उन्हें बहुत बधाई, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को सलाम, और भारतीय टीम के लिए ये खुशखबरी है आसिया जी।